ट्रेन टिकट कैसे कैंसिल करते हैं, इस वीडियो में हम लोग एक ट्रेन का टिकट जो है उसे कैंसिल करना सीखेंगे और हम आपको लास्ट तक दिखाएंगे किस तरीके से आप लोग ट्रेन का टिकट कैंसिल करते हैं, कितना रिफंडेड आता है, सारी डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे, कब तक रिफंडेड आती है ये भी बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद बता दें कि मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा, आप सभी देख रहे हैं टिकट स्मार्ट यूट्यूब चैनल, हमेशा की तरह से आप सभी का स्वागत है। हमेशा ऐसे यदि आप वीडियो पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिए, ऐसे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, अपना जो है IRCTC की जो एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेना है, जिसके सहायता से आपने अपना टिकट जो है बुक किया होगा। तो किस तरीके से वैलिडेटिंग करता है पहले, उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन का, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में अपना 4 डिजिट का एक पिन डालना है, जिस पिन को आपने बनाया होगा। चलिए हम अपना पिन जो है यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। पिन एंटर करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्रॉस वॉक्स आ रहे थे, क्रॉस वॉक्स में कौन कौन से पिक्चर आते हैं उसे हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में वैलिडेटिंग पिन, और उसके बाद में आप जो है IRCTC की एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर माई बुकिंग में चलेंगे। माई बुकिंग में आने के बाद में जितने भी आपने ट्रेन के टिकट बुक किए होंगे वो आपको यहाँ पर लिस्ट निकलेगी। जैसे कि मेरे इस आईडी से एक ही टिकट बुक है और इसी टिकट को हम लोगों को कैंसिल करना है। तो चलिए इस टिकट को कैंसिल करने के लिए हम आएँगे बैक, और सिंपल सा एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको कैंसिल टिकट का, तो कैंसिल टिकट पर चले जाना है। उसके बाद फिर से उसी पर टिकट पर क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है कितने लोगों का इसके अंदर, यदि एक से अधिक लोगों का यदि नेम होगा तो यहाँ पर जिनका जिनका भी कैंसिल करना होगा उनके ऊपर इस तरीके से टच करना होगा, और यदि सबको यहाँ पर कैंसिल करना होगा तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद में क्या करना है, आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा कैंसिल का, तो कैंसिल पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। उसके बाद मेंशन करना है कि आप यहाँ कन्फर्म है इसको कैंसिल करने के लिए, तो उसके बाद कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका टिकट जो है यहाँ पर दिख रहा है, तो आपका टिकट जो है कैंसिल हो चुका है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपका 4 पैसेंजर था और सभी का टिकट जो है आपका कैंसिल हो चुका है। इसे देखने के लिए आपको आना है, और रिफंडेड अमाउंट में आपको हम दिखा दें तो रिफंडेड अमाउंट यहाँ पर शो करेगा 1530 रुपये, और उसके बाद में ये जो है आपके खाते में, यदि आपने अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया होगा तो आपके अकाउंट में यह पैसा चले जाता है, और यदि IRCTC के वॉलेट से आपने यदि पेमेंट किया होगा तो आपके वॉलेट में पैसे वापस चले आएंगे। और यदि आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी इंटरनेट बैंकिंग UPI से जिस भी तरह से आपने पेमेंट किया होगा उसके थ्रू आपके खाते में पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और इस तरीके से आप जो है किसी भी टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। अब आएंगे हम लोग सिंपल सा बैक आएंगे, इसके स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं। ऐसे हम बैक आते हैं और उसके अंदर नो ट्रांजेक्शन फाउंड इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने पूरी टिकट जो मेरे पास में थी वो सारे हमने कैंसिल कर दिया है। माई बुकिंग में भी आएंगे तो वहीं टिकट यहाँ पर अब आपको कैंसिल के नाम से शो हो रहा है, इधर स्टेटस जो है कैंसिल लिख करके आ रहा है, तो ये आपका जो है कैंसिल हो चुका है टिकट। उसके बाद में फिर से हम बैक आएंगे और इसका रिफंड हिस्ट्री यदि देखना होगा आपको तो रिफंड हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना होगा, यानी कि आपका रिफंड कब तक आएगा। तो अभी नो ट्रांजेक्शन फाउंड जो इस पर दिखा रहा है तो कुछ ही जैसे कि 1 वीक 1 आवर्स यानी कि 1 घंटे के बाद में यदि आप चेक करेंगे तो आपका रिफंडेड यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा। तो यह जो है पैसा जल्दी नहीं आता, बल्कि 3 वर्किंग डेज यानी कि 3-4 दिन के अंदर में आपके खाते में पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे, जो 1530 रुपये वहाँ पर शो हो रहे थे। तो इस तरीके से जो है आप अपनी ट्रेन की टिकट जो है कैंसिल कर सकते हैं, और ऊपर भी देख सकते हैं कि मेरे पास मेल भी आ चुका है और यह जो है टिकट जो है बिल्कुल कैंसिल हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी टिकट को कैंसिल कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को भी दबा लीजिए, ऐसी वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई आपको सवाल जवाब करना है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको 100% मिलेगा। और यदि और भी सवाल है तो आप हमारे Instagram ID पर आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या आप जाकर के Instagram में सर्च करेंगे Mr_Pintu Sharma तो आपको हमारा ID मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं या हमारे Twitter पर भी जा सकते हैं। तो चलते मिलते हैं ऐसे मज़ेदार वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में।